बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार तथा बैठकों का दौर युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बिहार के तरैया विधानसभा में जहां एक ओर जनता की नाराजगी के चलते वर्तमान राजद विधायक मुद्रिका प्रसाद राय प्रचार के लिए लोगों के बीच जाने से कतरा रहे हैं, वहीं लोगों की नई उम्मीद बन चुके युवराज सुधीर सिंह जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। युवराज सुधीर सिंह की उम्मीदवारी को लेकर जहां जनता में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदियों में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह तरैया विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता मानी जा रही है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि ना कोई किसी दल के साथ ना जाए, हम लोग अपने निर्दलीय भाई सुधीर भैया के साथ में इस बार हम लोग रहेंगे। मान लीजिए जैसे सुधीर सिंह है, वो अच्छा ही हमको नजर में तो अच्छा लगता है। ठीक बात नेता सुधीर सिंह, अब की बार विधायक पूरा हम लोग सुधीर सिंह को माने हैं और आगे भी मानते रहेंगे और उनके साथ पूरा खुलिए हम दिल से। 25 साल 20 साल जो भी विधायक हो रहनी, हमने के लिए कोनो विकास नहीं किए। अब हमने क्या अपना से बदलाव करके चाहो तानी सन बाबू सुधीर सिंह के कि उनका के मन में क्या बनाई सब। सुधीर सिंह ऐसा नेता चाहिए, सुधीर सिंह के रखल जाओ। ये जो नेता सुधीर सिंह है, इसी को भी एक बड़ा चांस हम लोग देते हैं, देखने के लिए देख लेते हैं। बता दें कि सुधीर सिंह ने अपने परिवार की समाज सेवी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तरैया विधानसभा से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वे पिछले 13 वर्षों से समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करते आ रहे हैं। बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिलता है, कुर्सी नहीं दिया जाता है, चेयर नहीं दिया जाता है, उनसे चाय पानी नहीं पूछा जाता है। ये सब के अधिकार के लिए मैं तरैया विधानसभा में कि नौजवानों को रोजगार दिलाना है, ये संकल्प है। क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो नौजवानों के बीच से हुई थी, तो यह मुद्दा मेरे लिए हमेशा रहेगा कि नौजवानों को मैं साथ लेकर चलूंगा और उनके ही अनुसार तरैया विधानसभा का हम लोग मिलजुल कर विकास करेंगे। सुधीर सिंह ने बच्चों और युवाओं के लिए खेल कूद के आयोजन के साथ साथ उन्हें शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने जैसे कार्यक्रमों को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। मैं हमेशा कोशिश करता था कि अपने परिवार से हटकर एक नया ट्रैक पकड़ूं, एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा करूं, और मैंने शुरुआत खेल से ही किया था। जो गरीब क्लास के बच्चे थे वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया था कि उन बच्चों को जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते थे उनको वो चीज नहीं मिला था, एक YPL का एक मंच का एक स्थापना किया था। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों के दुख की घड़ी में सुधीर सिंह हमेशा ही उन्हें आर्थिक मदद देने के साथ साथ अन्य किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। विधायक होंगे तो तरैया का विकास होगा, तरैया के विकास की गति में बढ़ोतरी होगी, लेकिन जिस मकसद से तरैया के लोगों ने अपना मतदान किया था, शायद उस मकसद में आदरणीय बड़े भाई मुंद्रिका यादव जी मेरे ख्याल से विफल नजर आए। बाहर में ऐसी भी स्थिति हो गई थी कि लोग भुखमरी के कगार पर आ गए थे, और विधायक होने के नाते हैं तो निश्चित है कि आपके पास पैसा है तब आप विधायक बनते हैं, तो उस पैसा का भी लोगों के बीच में जाकर उन्होंने नहीं अथी किया। खास करके उनके जाति के लोग भी उनसे बहुत काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तरैया विधानसभा में आई बाढ़ आपदा के वक्त भी सुधीर सिंह ने पीड़ितों का हाल जानने के लिए रात रात उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद की। सुधीर सिंह से प्रभावित होकर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हजारों युवाओं का जनसैलाब भी उनके साथ उमड़ पड़ा। हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे निर्दलीय विधायक हैं हमारे सुधीर भैया, उनको हम लोग जिताएंगे, और मुद्रिका राय से हम लोग खुश नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग के लिए नवजोक के लिए अभी तक तो मान लीजिए युवराज सुधीर सिंह हुए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि वही नेता आए हम लोग वहाँ फील्ड में ताकि कुछ काम हो। है तो हम लोग को सुधीर जैसा नेता को हम लोग का तरैया में मांग है। हम लोग चाहते हैं कि यदि होए तो यह तरैया का विधानसभा का उत्थान और विकास संभव है। सर कोई संतुष्ट नहीं उनके काम से, आज तक बाढ़ में पूछने तक नहीं आए, हम लोग सुधीर सिंह को वोट देंगे। सुधीर सिंह है, सुधीर सिंह ऐसा नेता चाहिए विधायक। खोवा उठा तक ले उठा के ले गए ना बाबू सुनील सिंह के नेता बनाए के चाहता नहीं सन वहाँ का बनी। बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ को देखते हुए सुधीर सिंह ने उन्हें न केवल राहत सामग्री प्रदान की बल्कि आर्थिक सहायता भी प्रदान की। एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि टाइफाइड होने के बावजूद सुधीर सिंह हाथ में सिरिंज लगाए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। गौरतलब है कि आम लोगों के आग्रह पर ही सुधीर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, और हाल ही में उन्होंने पानापुर प्रखंड के बगडीहा ग्राम सभा से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी की।
देखिए हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है और उस परंपरा के अनुसार हमने तरैया सजोरा प्रखंड के और तरैया पानापुर पंचायत प्रखंड के 5-6 पंचायत के लोगों से हमारी बात हुई थी और उस बातचीत के क्रम में हमारे ये जो ग्रामीणों के बीच में एक सभा थी, जो छोटी मोटी सभा, यह सभा वोट मांगने के लिए सभा नहीं थी, यह सभा थी कि मैं उन लोगों से आदेश लेने, मैं अपने बुजुर्गों से गया था आदेश लेने के लिए कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं नौजवानों से पूछने गया था कि मैं चुनाव लड़ूं कि आज लोगों ने सहमति जताकर मुझे समर्थन देने का वादा किया है और आगे का कार्यक्रम अब तरैया में जगह जगह आपको हम लोगों के बीच में दिखेंगे, आज से हमारी शुरुआत हो गई। सुधीर सिंह की उम्मीदवारी को लेकर जिस तरह से जनता में उत्साह देखा जा रहा है, इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि तरैया विधानसभा की राजनीति में अब गर्माहट आ गई है। कैमरामैन संदीप और गोपाल चतुर्वेदी के साथ मैं विनोद यादव, ईश्वरपुर, बिहार।